डज नॉट डिपेंड अपॉन बैरियर पोटेंशियल. ऑब्वियसली ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है, जब हम डायोड बनाते हैं तो एक लेयर यहाँ आ जाती है ये, और ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ होता है, ये प्लस है और ये माइनस है. तो ये भी जो बैरियर पोटेंशियल होती है, ये पी टाइप है, ए एन टाइप है. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन की वजह से वो इधर आ गए हैं, तो उनकी जो खाली जगह है यहाँ पे वैकेंसी है वो पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से प्लस प्लेट. और कुछ होल इधर से उधर चले गए हैं कंसंट्रेशन की वजह से, तो उनकी खाली जगह जो है वो निगेटिव, ये वाली चीज़. तो कुल मिला के यहाँ एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होगा. ठीक है, भाई डिफ्यूजन कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन के लोअर, इधर प्लस वाले ज़्यादा हैं, इधर प्लस वाले हैं लेकिन कम है, तो ये प्लस वाले इधर जाएंगे, इधर निगेटिव ज़्यादा है, इधर निगेटिव कम है, तो ये निगेटिव इधर आएंगे, तो यहाँ एक लेयर बन जाती है पोटेंशियल बैरियर, ये वाली चीज़. अब ये किस बात पर डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली देखो किस बात पर डिपेंड करेगी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन डज नॉट डिपेंड, ऑब्वियसली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे चार्ज कैरियर बढ़ेगा, उनकी बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, माइग्रेशन डिफ्यूजन बढ़ेगा, तो ये पोटेंशियल बैरियर चेंज हो जाएगा. डॉपिंग ऑब्वियसली डॉपिंग डेंसिटी, ज़्यादा डॉपिंग करोगे, हाईली डॉप करोगे, तो जब हाईली डॉप करोगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर होता है वो थीन हो जाता है. ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर अगर थीन हो जाएगा तो उसे भी पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और फॉरवर्ड बैच, जब फॉरवर्ड बैच करते हो तो ये जो फॉरवर्ड बैच में डिप्लीशन लेयर थीन हो जाता है, डिप्लीशन लेयर थीन हो जाता है तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाती है. ठीक है, जबकि रिवर्स बैच में डिप्लीशन लेयर ठीक हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाती है. तो ऑब्वियसली इन तीनों पर डिपेंड करता है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और कैसा डिजाइन करते हो इसके डिजाइनिंग पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब यही पूछ रहा है. चलो रिवर्स